देव भोले महादेव भोले हर हर महादेव जी दोस्तों। तो आज है अपनी यात्रा का दूसरा दिन और हैं हम अभी सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से जाएंगे आज हम केदारनाथ, और केदारनाथ का करेंगे आज शाम को दर्शन। आप सब भी हमारे साथ ही करना। तो आज का जो कुछ प्री प्लान होने वाला है वो ये है कि अभी हम सोनप्रयाग से जाएंगे गौरीकुंड बाया शटल टैक्सी, एंड फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा जो कि 18 से 20 किलोमीटर के बीच में है। तो अभी है हमारा ये पहला पड़ाव जो कि सोनप्रयाग। थियो सोनप्रयाग में मिल जाएंगे आपको होटल्स एंड डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री का चार्जेस हैं यहाँ 1000 पर नाइट, एंड रूम्स हैं आपके सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं 2000, 3000, 4000। जैसे कि आप देख सकते हैं भाट होटल एंड मैनी मोर्स होटल्स। बात गाइस, सामान रखने की व्यवस्था है, क्लॉक रूम है, बहुत ही क्लॉक रूम है, जैसे ये 12 है ऊपर 23, ये सारे क्लॉक रूम है जो कि बहुत ही मतलब यहाँ सुविधा मिल जाएगी आपको क्लॉक रूम की, अपना सामान एक्स्ट्रा सामान जमा करानी है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करके आए तो यहाँ गवर्नमेंट द्वारा एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चलाई जाती है। थियो आप सोनप्रयाग से थोड़ा सा ही पैदल चलेंगे और आपको आ गए ब्रिज के पास मिल जाएगी टैक्सी जो कि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड प्रस्थान करेगी। धाम में सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से स्वागत है, एंड हमारे चैनल पे भी आप सभी का मोस्ट वेलकम। इस यात्रा में शामिल हैं हमारे दोस्त, हमारे साथी मुनिंदर। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। इसी ब्रिज को पार करने के बाद आपको शटल मिलेगी जो कि आपको गौरीकुंड बेस कैंप तक छोड़ेगी। यही है ये टैक्सी जिसका फेयर 50 रुपीज होता है एक तरफ का। तो जी साथियों, हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और अब हम अपने यात्रा को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वाया रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली एंड बेस कैंप एंड मैनी मोर्स टू केदारनाथ धाम, हमारे प्रभु श्री केदारनाथ। 1.5 किलोमीटर चलते ही आपके सामने आ जाता है घोड़ा पड़ाव, जहाँ से आप घोड़ा, खिच्चर इत्यादि मतलब हायर कर सकते हैं बड़े बूढ़ों के लिए। और मेरी राय तो यह है कि अगर आप चढ़ाई करने योग्य है या यात्रा करने योग्य हैं तो आप पैदल ही अपना मार्ग अपनाएं। ये आ जाता है गाइस यात्रा का मेन गेट। एक्चुअली यहीं से केदारनाथ की प्रॉपर यात्रा स्टार्ट होती है जो कि है पूरे 22 किलोमीटर की। आराम से रुक रुक के ट्रैकिंग करनी चाहिए क्योंकि हाँ तो दौड़ लो फिर दौड़ के जाओ। बाकी गाइस यात्रा का आनंद लीजिए और सामने नजारों का। अभी केदारनाथ जी 13 किलोमीटर रिमेन। Hello
केदारनाथ की यात्रा पे ना सस्ताते मतलब रुकते रुकते चलो, क्योंकि ना इतना इजी नहीं है। प्लस लगेज लेके ये देखो टेंट और पूरा 66 लीटर का पूरा बैग। सेम कंडीशन मेरे साथ है गाइज, ये देखो स्लीपिंग बैग एंड पिट्ठू बैग। गाइज हम यात्रा के मतलब एक मेन पड़ाव तक पहुंचने वाले हैं जो कि है रामबाड़ा। मैं दिखाता हूं आपको, रामबाड़ा है सिर्फ यहां से अब 1 किलोमीटर एंड छोटी लिंचोली 2.5 किलोमीटर, लिंचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप 6, रुद्रा पॉइंट 8, बेस कैंप जहाँ तक मतलब ये खिचर जाते हैं वो बेस कैंप है वो है अभी 8.5 एंड केदारनाथ 10 किलोमीटर। इस केदारनाथ की जो चढ़ाई है ना वो 22 किलोमीटर है, बाकी मतलब बोर्डों पे 16 किलोमीटर ही लिखा होता है। और अब यहाँ से ना देखो एक रामबाड़ा से पहले ना रास्ता है मतलब दो कट जाते हैं, एक थोड़ा सा इधर से घूम घूम के वो देख सकते हैं पेरा, एक इधर से जहाँ से हम अब जाएंगे। सो साथियों अभी जिस ब्रिज पर मैं चल रहा हूँ ना ये वही ब्रिज है जो अभी रिसेंट में जून में और जुलाई में जो आपदा आई है ना, ये ब्रिज वहीं ब्रेकेज हो गया था, ये रहा पूरा ये ब्रेक हो गया था और अब ये पत्थर डाल के देखो नया बनाया है फिलहाल टेम्परेरी। ये देखो ये देखो दोस्तों कितने कठिन रास्तों से मतलब यात्रा को पूरा संपूर्ण किया जाता है, ऐसे ऐसे रास्ते बीच में छोटे छोटे पैच आते हैं जो पूरे भयानक और डरावने होते हैं। मेरे अनुसार रामबाड़ा को क्रॉस करने के बाद सारी जो चढ़ाई बचती है जो यात्रा बचती है वो सारी कठिन और चढ़ाई मतलब बहुत पहले से डबल चढ़ाई हो जाती है। तो इसे आप रुकते हुए सांस की गति बनाते हुए और आराम करते हुए चढ़ें। सो गाइज हम बड़ी लिंचोली पहुंचने वाले हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है, अभी भी 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और मैं ना मुनिंदर का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं वो ना यार कहीं बिछड़ गया है तब ना फ़ोन लग रहा है ना कुछ, बाकी अभी रह बहुत गया यार। बाकी व्यू चेक करो यार, आप इंजॉय करो एकदम मस्त। ये लो कल जा रहे घर, कल साथ में निकलेंगे लग रहा है। सुबह से ट्रैक करते करते ना शाम हो गई है, यानी कि दोपहर के 4 बज गए हैं और अभी भी हम केदारनाथ नहीं पहुंचे हैं क्योंकि खराब वेदर के कारण एकदम स्मोक पूरा मतलब जो क्लाउड्स है ना वो पूरे आ चुके हैं, देख रहे हो आप कुछ भी विजिबल नहीं है, सेम ऐसे ही इधर है। तो वैसे तो 1 किलोमीटर रह गया है मंदिर, यानी कि मतलब अब नॉर्मल ही है, बट ये है कि ना अभी ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, टेम्परेचर ना डाउन हो गया एकदम, और थोड़ा सा चाय टी ब्रेक ले के फिर चलते हैं। गाइस बहुत समय देने के बाद हम अपने प्रभु श्री महादेव जी के समीप आ गए हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। गाइस मतलब हम यहाँ केदारनाथ पहुँचे ही हैं और यहाँ आरती हो रही है और हम अपने होटल में मतलब जहाँ स्टे लिया है वहीं अपना बैग लगेज रखा और हम फटाफट आरती का एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ करिए, बोलिए हर हर महादेव। तो गाइस क्राउड तो ओवर है, आप देख सकते हैं जैसी ओपनिंग सेरेमनी में होता है ना सेम वही क्राउड, क्लोजिंग सेरेमनी कल है बट क्राउड वही है।
वरिंदर भाई भी यहाँ वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। वरिंदर भाई कैसा लग रहा है? मतलब यहाँ आते ही तुरंत हमें आरती मिल गई है, और ये आरती कोई छोटी मोटी आरती नहीं है, समझ रहे हो? कौन सी है? इस साल की लास्ट आरती। मतलब वरिंदर की ना भाई ट्रैकिंग करते हुए ना हालत खराब हो गई है, तो इसीलिए इसने मेडिसिन वेडिसन ली है अभी, तो इसीलिए शांत है। बाकी गाइस बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग, और आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब 2024 की श्री केदारनाथ धाम की ये लास्ट आरती है। अब 6 महीने के लिए बाबा की पंचमुखी डोली शीतकालीन के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में उखी मठ में चली जाएगी, बाकी वो करेंगे बाद में बात। फिलहाल आप आरती का एंजॉय लीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। गाइस ना मतलब आरती खत्म होते ही ना ये ब्लॉग भी खत्म हो जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। I'm gonna make it.